आनंदपुर गांव एक बहुत ही खुशहाल गांव था। यहां के अधिकतर लोग किसान थे। इस गांव में एक लोहार था, गोपी। गोपी पैरों से अपाहिज था। वो अपने ही घर बैठकर अपने पत्नी की मदद से लोहे के हथियार बनाया करता था। अरे सरिता, हवा चला दो। आई। इस तरह सरिता हवा से आग को तेज किया करती थी और गोपी हथौड़े से पीट पीट कर लोहे के औजार बनाया करता था। बाबा बाबा, कुछ लोग आए हैं औजार खरीदने। उन्हें अंदर भेज दे बेटा। मंदिरा ने उन दोनों को अंदर भेजा। गोपी भाई, मुझे तो एक मजबूत हल चाहिए। मुझे एक हसिया, फावड़ा, करनी और एक करछा चाहिए और एक कुल्हाड़ी भी। जी जी, मेरे पास सब कुछ है। आपको जिस आकार का सामान चाहिए आप खुद पसंद कर लीजिए। गोपी, ये हल कितने का है? वैसे तो वो 1000 का है, पर आपको जो सही लगेगा वो मुझे मंजूर है। मैं 800 दूंगा इसका। मुझे भी इन पांचों चीजों के दाम बता दो गोपी। इनका भी 1000 हुआ, मैं 900 दूंगा। चलेगा मालिक। दोनों आदमियों ने गोपी को पैसे दिए और औजार खरीद कर ले गए। गांव के अधिकतर लोग गोपी लोहार के पास ही औजार खरीदने आते थे। धीरे धीरे समय बीता, उन्नति हुई और अब खेती के लिए औजार नहीं बल्कि मशीनें लगने लगी, ट्रैक्टर, कटिंग मशीन। पर अब गोपी लोहार का धंधा मंदा हो गया था। अब कोई भी किसान उसके पास औजार खरीदने नहीं आता था। अरे मंदिरा की माँ, इस महीने लगता नहीं है कि हमारा एक भी औजार बिकेगा। ऐसे तो जिंदगी का कटना मुश्किल हो जाएगा। एक तो पहले ही भगवान ने मुझे अपाहिज बनाया है, ऊपर से अब ये मंदी। औजार बिक नहीं रहे क्योंकि औजारों की जगह बड़ी बड़ी मशीनों ने ले ली है। क्यों ना हम औजारों की जगह कुछ और बेचे? पर हम क्या बेच सकते हैं? मैं ठहरा लोहार, लोहा पीटने के सिवा मुझे और आता ही क्या है? लोहे के बर्तन, हम लोहे से बर्तन बनाकर बेच सकते हैं। लोहे की कढ़ाई, कड़ची, तवे, ये सब भी तो इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज से मैं औजारों के बदले बर्तन बनाता हूँ। ठीक है, और हम सब आपकी मदद करेंगे। पूरा परिवार लोहे के बर्तन बनाने के काम में जुट गया। एक और नन्ही मंदिरा तेज हवा चला रही थी और नंदन एक छोटे से हथौड़े से लोहा पीट रहा था, और दूसरी ओर सरिता आग तेज कर रही थी और गोपी लोहा पीट रहा था। सुबह से शाम तक इन सब ने बिना रुके काम किया और शाम के समय इनके सामने ढेर सारे लोहे के बर्तन थे। ये बर्तन कितने खूबसूरत है। पहले इन्हें बिकने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए भी नए बर्तन बना दूंगा। ठीक है। अगली सुबह सरिता ने घर के बाहर कुछ लोहे के बर्तन टंगा दिए। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोहे के बर्तन भी बेचते हैं? इसीलिए बाहर टंगा रही हूँ, ताकि लोग देखें और बर्तन खरीदने भीतर आए। वाह माँ, तुम तो बड़ी होशियार हो। वो तो मैं हूँ। अब चलो कुछ और बर्तन बनाते हैं। पिछले दिन की तरह एक बार फिर वो लोग काम पर लग गए। कुछ देर बाद दो औरतें आई। अरे सरिता, तुम लोग लोहे के बर्तन भी बेच रहे हो क्या? हाँ हाँ दीदी, ये देखिए, एकदम मजबूत लोहे के बर्तन। ये देखिए, ये कढ़ाई अच्छी है। क्या दाम है इसका? 100 रुपए। बस ठीक है, मुझे ये कढ़ाई दे दो। अरे पर मैंने ये कढ़ाई पसंद की है। भाभी जी, मेरे पास ऐसी 2 कढ़ाइयाँ हैं, आप दोनों एक एक खरीद लीजिए। ये हुई ना बात, वरना आज बेवजह ही हम दोनों की फिर से बहस हो जाती। दोनों औरतों ने 100-100 रुपए दिए और कढ़ाई खरीद कर चली गई। आप ज्यादा दाम पर भी बेच सकते हैं। पता है, पर इस बर्तन के व्यापार में हम नए हैं। शुरुआत में सस्ता बेचेंगे, तभी तो लोग हमसे खरीदेंगे। हाँ माँ बाबा, अच्छी बात ये है कि हमारे लोहे के बर्तन बिकना शुरू हो गए। हाँ, चारों खुश थे कि उनके लोहे के बर्तन बिकना शुरू हो गए थे। आज चारों ने दुगने उत्साह बर्तन बनाना शुरू किया। अगले कई दिनों तक इनके बर्तन खरीदने कोई नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा है,
हमारे लोहे के बर्तन खरीदने ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि हम लोहे के बर्तन बेचते हैं। ज्यादातर औरतें सामान खरीदने बाजार जाती है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम घर में बर्तन बेचते हैं? तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ग्राहक हम तक पहुंच ही नहीं सकते तो हमें ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए। क्या मतलब? कल से मैं ये सारे बर्तन बाजार ले जाऊंगी। मुझे यकीन है बाजार में हमारे बर्तन जरूर बिकेंगे। पर सरिता, तुम ये सब अकेले कैसे करोगी? अकेली कहा, मेरे साथ मंदिरा और नंदन तो है ना, वो लोग मेरी मदद करेंगे। मंदिरा घर में रहकर आपकी मदद करेगी, नंदन मेरे साथ बर्तन बेचेगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले ही दिन लोहे के बर्तनों की टोकरी सिर पर रखकर सरिता और नंदन बाजार पहुँचे और यहाँ वो बर्तन बेचने लगे। लोहे के बर्तन, मजबूत बर्तन, कढ़ाई, तवा, कड़ची, जो चाहिए ले लो। लोहे के बर्तन सुनते ही कई औरतें उनके पास आई। ये तवा कितने का? 200 का। बहुत ही मजबूत तवा है और आकार भी बड़ा है। कुछ कम नहीं होगा? आप 180 दे दीजिए। उस औरत ने वो तवा खरीद लिया। मुझे वो बड़ी कढ़ाई देना। औरतें ठोक पीट कर बर्तनों की मजबूती जांचती गई और थोड़ा मोल भाव करके सरिता को पैसा देने लगी। नंदन सारे पैसे इकट्ठे करने लगा। एक एक करके उनके बनाए हुए सारे बर्तन बिक गए और नंदन की जेब नोटों से भर गई। माँ, ये देखो। सरिता के चेहरे पे मुस्कान आई। दोनों माँ बेटे घर पहुँचे और नंदन ने नोटों की गड्डी और खाली टोकरी अपने बाबा और मंदिरा के पास रख दी। ये देखिए बाबा, सब कुछ बिक गया, पैसे ही पैसे हैं। ये हुई ना बात। मैंने कहा था ना, बाजार में सब कुछ बिक जाएगा। कल से हम दोनों ज्यादा बर्तन ले जाएंगे, बाजार में लोहे के बर्तनों की मांग है। ठीक है ठीक है, ले जाना, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? वो देखो। सरिता ने जब रसोई की ओर देखा तो उसके सारे बर्तन बदल चुके थे नए लोहे के बर्तनों से। अरे वाह, आपको याद रहा? कैसे नहीं याद रहेगा, अब जल्दी जाओ और नए बर्तनों में कुछ मीठा बनाओ। बनाती हूँ। सरिता ने उन लोहे के बर्तनों में हलवा बनाया और सभी ने खुशी खुशी खाया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। गोपी बर्तन बनाया करता और सरिता उसे बेचा करती। इस तरह मिल बांटकर इस परिवार ने अपनी मुश्किलों को दूर कर दिया। अब इस परिवार को पैसों की कमी नहीं थी और शायद आगे कभी नहीं होगी, क्योंकि ये समझ चुके थे कि मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ देकर ही मुश्किलों को आसान किया जा सकता है।